भारत अमेरिका के रिश्तों में पड़ सकती है दरार। दोनों देशों के मधुर रिश्तों में आ सकती है कड़वाहट, क्योंकि भारत के स्टील आयात पर लग सकती है रोक। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में इन दिनों अमेरिकन फर्स्ट नीति के तहत फैसले किए जा रहे हैं। इसी के चलते अमेरिकी सीनेट के 9 डेमोक्रेटिक सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप से भारत और इटली के स्टील के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील की है। सांसदों ने ट्रंप से गुजारिश की है कि कीस्टोन परियोजना में विदेशी, खासतौर पर भारत और इटली से मंगवाए गए स्टील के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारत और इटली जैसे देशों से स्टील मंगवाने की इजाज़त देकर आप एक ऐसी प्रथा बना रहे हैं जिसका असर सीधे अमेरिकी लोगों के रोजगार पर पड़ेगा। तो वहीं भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत के इतिहास पर सवाल उठाते हुए सांसदों ने कहा कि भारत और इटली जैसे देशों का इतिहास रहा है कि वो अवैध और गैरकानूनी कीमतों पर अमेरिका में अपने स्टील उत्पादों को खपाते हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपति ट्रंप भारत के स्टील आयात पर रोक नहीं लगाते तो ये ट्रंप प्रशासन की ओर से किए गए वादे अमेरिका फर्स्ट नीति का उल्लंघन होगा। वैसे ट्रंप ने एक मेमोरेंडम जारी किया था जिसमें अमेरिकी सीमा के अंदर नए पाइपलाइंस के निर्माण से लेकर मरम्मत और प्रबंधन में हर संभव स्तर तक अमेरिकी उत्पादों का इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन कीस्टोन पाइपलाइन परियोजना को इस नीति से छूट दी गई है। ऐसे में कीस्टोन पाइपलाइन परियोजना में भारत के स्टील के हो रहे इस्तेमाल पर ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, ये देखना बाकी है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।